स्टूडेंट्स, तो कैसे आप लोग? आज हम 12th के क्लास में यानी रो मेथड से इनवर्स बताने जा रहे हैं और ये ऑर्डर जो है वह 3/3 ऑर्डर है। तो हम लोग सबसे पहले करते क्या है, हम लोग सबसे पहले दिए गए मैट्रिक्स का एक नाम रख देते हैं। चलिए नाम रखते हैं, माना कि ए बराबर 2 -3 3 2 2 3 3 -2 2। मान लिए कि जो मेरे पास मैट्रिक्स था उसका नाम हो गया ए। अब अगला काम क्या करते हैं हम लोग कि यदि हम रो लेके चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा, यदि हम रो लेके चलेंगे तब हम लिखते हैं ए बराबर ए आई। किस लिए? इनवर्स ज्ञात करने के लिए। यानी ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए हम लोग लिखेंगे ए बराबर आई ए का, जब रो का इस्तेमाल करेंगे तब। तो लिखिए इसको, ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए ए इज इक्वल टू आई ए। रूल हम लोग पढ़े थे कि एलएचएस में ए में बदलाव होगा जबकि आरएचएस में आई में बदलाव होगा। तो जिसमें बदलाव होगा हम उसी मैट्रिक्स को लिखेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। चलिए लिखिए, यानी और 2 -3 3 2 2 3 3 -2 2। एक बात और, आई की कोटि हमेशा दिए गए मैट्रिक्स के बराबर होनी चाहिए। यानी अगर वह 2/2 ऑर्डर का रहेगा तो हम लोग 2/2 ऑर्डर का मानेंगे, और यदि 3/3 ऑर्डर का रहेगा हम लोग उसको 3/3 ऑर्डर का मानेंगे। आइए मानते हैं हम लोग क्या चीज, ये हो गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1 into A। अब इसमें हम करते क्या है उस पर ध्यान देते हैं। तो हम इसमें करते क्या है कि इस A को यानी मैट्रिक्स ए को हम बदल के क्या बनाना चाहते हैं, आई। यानी यहां प्रारंभिक संक्रिया का प्रयोग आपको तब तक करना है जब तक कि ये जो आई देख रहे हैं आप वो आई ए न बन जाए। जैसे ही आपका आई ए बनेगा कि हमको इनवर्स मिल जाएगा। यानी इस ए को हमको बनाना है आई, हम यहां पर ए को बदलना चाहते हैं किसमें, तो आई में बदलना चाहते हैं। और आई का मतलब क्या होगा यहाँ पे, तो आई का मतलब होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अगर हम इसको दूसरे शब्द में कहें तो इस जहां पे 2 देख रहे हैं आप, इस 2 को हम बदलना चाहते हैं किसमें, 1 में। ध्यान दीजिएगा, यहां यह जो 2 देख रहे हैं इस 2 को क्या बनाना हमको, 1। चूंकि हम चल रहे हैं रो लेके तो हम ध्यान किस पे देंगे, कॉलम पे। यहां पर जो 2 है उस 2 को क्या बनाना चाहेंगे, 0। और ये जो 3 देख रहे हैं आप उसको हम क्या बनाना चाहेंगे, 0। यानी अगर दूसरे भाषा में कहें तो हम A11 को लाना चाहते हैं 1, A21 को लाना चाहते हैं 0, A31 को लाना चाहते हैं 0। इसी ढंग से इस -3 को हम क्या बनाना चाहेंगे, 0। यानी अगर दूसरे बार हम देखें A21 को हम बनाना चाहते हैं 0। अगर इस 2 की बात कर रहे हैं, अगर हम इस 2 को बनाना क्या चाहेंगे, 1। ये 2 क्या है आपका, तो 2 है A22, इसको क्या बनाना चाहते हैं, 1 बनाना चाहते हैं। फिर ये जो देख रहे हैं -2, इस -2 को क्या बनाना चाहते हैं, 0। यानी A32 को हम बनाना चाहते हैं 0। इसी ढंग से ये जो 3 देख रहे हैं आप, इस 3 को हमको क्या बनाना है, 0। 3 क्या है, ये वाला 3 क्या है, ये पहला का तीसरा है। यानी हम A13 को हम क्या बनाना चाहते हैं, तो हम 0 बनाना चाह रहे हैं। इसी ढंग से अगर देखिए तो हम इसको भी बनाना चाहते हैं 0। ये है क्या, तो दूसरा का तीसरा, यानी A23 को हम बनाना चाहते हैं 0। और ये जो यहां पे 2 है उस 2 को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं 1 में, यानी हम A33 को बनाना चाहते हैं 1। इसमें हम यही करेंगे।
अब सवाल है कि ये हम कैसे करेंगे, किस तरह से हम इसको वहां पहुंचा सकते हैं। तो एक बनाने का सबसे आसान और सरल तरीका है वह यह है कि आप उस संख्या को उसी के गुणात्मक विलोम से गुणा कर दीजिए। यानी यदि हम किसी भी नंबर को वन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे आसान तरीका है कि आप उसको उसी के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से गुणा कर दीजिए। जैसे ही आप गुणा कीजिएगा वो हो जाएगा वन। यानी हम इस दो को पहले बनाएंगे एक, जैसे ही हमको एक मिलेगा फिर इस एक के मदद से यहाँ दोनों जगह ला देंगे हम जीरो। यानी दोनों जगह क्या बना देंगे हम जीरो बनाएंगे। अब जीरो कैसे बनता है, तो जीरो बनाने का सबसे आसान तरीका जो संख्या है उसमें उसी संख्या को घटा दीजिए। यानी हम एक के मदद से बनाएंगे तो बस उसमें हम एक को शामिल करेंगे। अब एक जिस रो में रहेगा उसको हम लोग लिखते जाएंगे। तो चलिए जो हम आपको बोले वो थोड़ा करते हैं और आपको बताते भी जाते हैं। तो चलिए इसमें हम सबसे पहले क्या काम करते हैं, यहां पे जो 2 है उसको बनाना चाहते हुए। अब बताइए ये 2 का प्लेस कौन है, तो 1 1, ये है 2, ये कितना चाहिए हमको 1। यानी रो 1 का एलिमेंट है ये वाला और हमको चाहिए 2 को बनाना है कितना 1। अब हम 2 को अगर 1 बनाएंगे तो वो कितना से गुना करना होगा, इसका गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा, 2 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/2। हमको इसको 1/2 से गुना करना पड़ेगा। अब ये देखते हैं हम कि 2 जो है मेरा वो है कहां पर, तो 2 जो है मेरा वह रो 1 में है। किसमें है, रो 1 में। तो हम किससे गुना करेंगे, 1/2 से गुना करेंगे, किसमें, रो 1 में। तो जो आप सोचे अभी उसको आप लिखिए। यानी हम लिखेंगे R1 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/2 R1 का प्रयोग कर रहे हैं, का प्रयोग करने पर। तो आइए हम इसका इस्तेमाल करते हैं इसमें। तो ध्यान दीजिए कि एरो के पहले जो रहेगा हम केवल उसी को बदलेंगे, एरो से पहले जो रहेगा हम केवल उसी को बदलेंगे, उसके अलावा हम किसी में भी किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो यहां पे एरो से पहले क्या है, R1, यानी बदलेगा कौन, केवल R1। आप ना R2 बदल सकते हैं ना R3 बदल सकते हैं। तो जिसको हम नहीं बदल सकते हैं उसको हम पहले लिख देते हैं। आइए देखिए यहां, तो यहां से स्टार्ट कीजिए। देखिए इसका R2 कितना है, तो हो गया 2 2 3। यहां पे क्या है दूसरा, R3 क्या है, 3 2 2। ये तो हुआ मेरा LHS। अब हम चलते हैं किसमें, RHS में। RHS का R2 क्या है, RHS का R2 है 0 1 0 0 0 1 into A। अब हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, तो जिस पे ऑपरेशन करना उसको लिखिए। ऑपरेशन लगा किस पे रहे हैं, तो पहला रो पर। आप बताइए यहां पे देखिए पहला रो में कौन कौन सा एलिमेंट है उस पे ध्यान दीजिए। तो पहला रो में मेरा है 2 -3 और 3, दिक्कत यही आपका पहला रो, देख लीजिए 2 -3 3। अब इसमें क्या कर रहे हैं, तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 2 × 1/2 -3 × 1/2 3 × 1/2। अब क्या करेंगे हम इसको, देखिए हम इसमें सब में 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिए। ये हम क्या कर रहा था कि आप क्या कीजिए, R1 को बदलिए किसमें, 1/2 से गुना करके। चलिए गुना कर देते हैं, तो यहाँ का कैंसिल हो कितना हुआ 1, यहाँ पे -3/2 और ये 3/2। यानी जो R1 था मेरा पहले 2 -3 3, उसको हम जैसे हाफ से मल्टीप्लाई किए कि वो हो गया 1 -3/2 और 3/2। हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं, यानी 1 -3/2 3/2। जो काम हम लोग LHS में किए वही सेम काम हम लोग कहां करेंगे, RHS में। अब ये देखिए आप कि आपका RHS का R1 क्या है, तो RHS का R1 है मेरा
वन जीरो जीरो, ध्यान दीजिए आर वन हाफ आर वन, चाहे हम आर एच एस का आर वन लिए, आर वन क्या है तो वन जीरो जीरो। अब इसमें क्या करना हमको, तो इसमें कहता है हमको हाफ से गुना करने के लिए, तो कीजिए, तो यहां हो जाएगा वन वन बाय टू जीरो, वन बाय टू जीरो, वन बाय टू, यानी हम इसमें सब में क्या किए, तो रो वन के हर एक एलिमेंट में वन बटे टू से मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो ये होगा आपका वन बाय टू जीरो जीरो, यानी जो मेरा था पहले जी वन जीरो जीरो, अब वही कन्वर्ट होके हो गया वन बाय टू जीरो जीरो। अब इसको हम लोग यहां लिख देते हैं, तो ये हो गया वन बाय टू जीरो जीरो। इस तरह से देखिए, तो मेरा पहला कॉलम जब हम प्रारंभ किए थे उस पहले कॉलम में हम लोग क्या किए, तो वन ले आए, यानी हम जब रो का इस्तेमाल करेंगे तो हम सबसे पहले कॉलम पूरा करेंगे, और कॉलम पूरा करने के क्रम में हम सबसे पहला काम करेंगे एक लाएंगे, और हमें एक प्राप्त हो चुका है। अब इस एक के मदद से दोनों जगह पे हमको जीरो दिखाना है। अब ये ध्यान दीजिए, इस एक के मदद से यहां जीरो चाहिए और यहां भी जीरो चाहिए, यानी ये जो दो देख रहे हैं आप, इस दो को हमको बदल के क्या बनाना है, जीरो। सबसे पहली बात, ये दो है कहां पर, आर वन में है या आर टू में है या आर थ्री में है, तो ये जो दो है वह मेरा आर टू में है, यानी आर टू, इस आर टू को हम लोग क्या करना चाहते हैं, जीरो। तो बताइए ये जो दो है वो जीरो कब होगा, तो हम बताए थे ना आपको कि किसी भी संख्या को यदि जीरो बनाना है आपको, तो उसमें उसी संख्या को घटा दीजिए। तो बताइए हम अगर दो में, दो का मतलब आर टू, यदि हम दो में, ध्यान दीजिए थोड़ा सा यहाँ पे, यदि हम दो में दो को घटा तो मेरा क्या हो जाएगा, जीरो। ये दो जो देख रहे हैं वो है कहाँ, आर टू में, इस दो को ना लिख के हम लोग सिंबॉल यूज करते हैं, वो है आर टू, और ये दो कहां से लाना है, तो हमेशा एक के मदद से लाना है। एक कहां पर है मेरा, तो रोवन में, रोवन में, यानी एक को हम दो कैसे बनाएंगे, दो से गुना करके, अगर हमको एक को दो बनाना हो कैसे बनाएंगे, दो से गुना करके, तो यानी हम क्या किए इसमें कि रोवन में हम दो से गुना करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दो जीरो होने का मतलब है आर टू माइनस टू आर वन ए बाम। अब आइए फिर हम इसको भी जीरो बनाना चाहते हैं, इस तीन को भी क्या करना चाहते हैं, जीरो। ये जो तीन देख रहे हैं आप वो जीरो कब होगा, जब उसमें तीन घटेगा, लेकिन तीन लाएंगे कहां से, हमेशा एक में गुना करके, ध्यान दीजिएगा इस बात को, इस तीन को हमको क्या बनाना है, जीरो, इस तीन को हमको क्या बनाना है, जीरो। ये हो गया तीन, पहले लिख दिया तीन, इसको हम डायरेक्ट यहां लिखिए, ये हो गया तीन, और हम एक में गुना करके जो भी लेंगे, याद रखिएगा हमेशा जो भी हमको लाना होगा जीरो बनाने के लिए, खास करके जीरो बनाने के लिए हमको जिस संख्या को डालना होगा उस सभी में हम क्या करेंगे, तो एक से गुना करेंगे, तो तीन में एक, एक में तीन से गुना के तीन हो गया। अब बताइए तीन जो है वो क्या है, आर वन का एलिमेंट है कि आर टू का, आर थ्री का, आर थ्री का, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ आर थ्री, तो यहाँ हो गया आर थ्री, फिर माइनस तीन, तो लिखिए तीन, और ये वन, वन किसका है, पहला रो का, इसको लिखिए आर वन, इसका हम लोग क्या करेंगे, उपयोग करेंगे, तो लिखेंगे का प्रयोग करने पर। अब ध्यान दीजिए इस बात को कि इस एरो से पहले आर टू है, यहां एरो से पहले आर थ्री, यहां पर एरो से पहले क्या है आर टू, और इसमें एरो से पहले क्या है आर थ्री, इसका मतलब हुआ कि आर टू भी बदलेगा आर थ्री भी बदलेगा, तो कौन नहीं बदलेगा, आर वन नहीं बदलेगा, जो नहीं बदलता है आप पहले उसको लिखिए, तो लिखिए, तो यहां से आपका हो जाएगा कितना, तो ये होगा वन माइनस थ्री बाय टू, थ्री बाय टू, और उसके बाद इधर सब बदलेगा, अब वही इधर, तो ये क्या होगा आपका, इसमें है आपका वन बाय टू जीरो जीरो, और इधर ए। अब हम लोग क्या करेंगे, तो हम सबसे पहले ऑपरेशन का इस्तेमाल करते हैं, यानी पहला ऑपरेशन क्या है, आर टू माइनस टू आर वन, आर टू यानी पहले का आर टू कितना है, तो यहां देखिए हम लोग काम प्रारंभ करते हैं, इधर हम लोग
इसका वर्क करके आपको दिखाते हैं। आर टू, आर टू है कितना, तो टू टू थ्री, आर टू मेरा कितना है तो टू टू थ्री, ये हो गया आर टू। अब करना किसमें, तो घटाना है, क्या घटाना है, टू आर वन, यानी आर वन का दुगना, आर वन का दुगना। ये बताइए इसमें आर वन है क्या, पहले देखिए आर वन है मेरा वन माइनस थ्री बाय टू, थ्री बाय टू, ये क्या हो गया मेरा आर वन हुआ। इसमें करना क्या हमको, दो से गुना करना है, किसी तो वन इंटू टू माइनस थ्री बाय टू इंटू टू, थ्री बाय टू इंटू टू। अब जैसे ही गुना करेंगे क्या मिलेगा आपको, वो देख लीजिए, तो आपको मिलेगा यहां से टू माइनस थ्री और थ्री, क्योंकि दो दो तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपको मिला। फिर ध्यान दीजिए, फिर से बताते हैं, आर टू, आर टू क्या मिला इसका देख लीजिए, तो टू टू थ्री, यहां क्या कर रहा है टू आर वन, यानी पहले आर वन लिख लेते हैं हम यहां से, आर वन कितना है वन माइनस थ्री बाय टू, थ्री बाय टू, इस सब में क्या करना है, दो से मल्टीप्लाई करना, कर दीजिए वन इंटू टू टू माइनस थ्री बाय टू इंटू टू माइनस थ्री और थ्री बाय टू इंटू टू, यानी क्या हो गया थ्री। अब हमको इसको ये क्या मेरा कहलाएगा, ये कहलाएगा मेरा टू आर वन, तो इस टू आर वन को हमको घटाना है किसमें, आर टू में, तो घटाइए यहां ले जाते, तो टू माइनस थ्री थ्री, क्या करना है आपको इसमें, तो घटाना है। अब जैसे ही हम घटाएंगे तो जो प्लस है वो क्या हो जाएगा माइनस, और जो माइनस है वो क्या हो जाएगा प्लस, तो कीजिए ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, टू में टू खत्म हो गया तो जीरो, यहाँ दोनों ऐड हो गया फाइव, यहाँ हो गया जीरो। इसका मतलब है इसका रूट टू जो है मेरा वो हो गया कितना, तो देखिए ये हो गया जीरो फाइव जीरो। अब हमको रूट टू मिल गया, अब हम अपना ध्यान किस पे देंगे, फिर से रो थ्री पे, तो आइए रो थ्री में क्या वो देखते हैं। रो थ्री में है आपका रो थ्री, रो थ्री यहाँ क्या है देखिए, तो रो थ्री है आपका यहाँ पे, देखिए ध्यान से, तो रो थ्री है आपका यहाँ पे थ्री माइनस टू टू, देखिए ये हो गया रो थ्री। रो थ्री में क्या करना है हमको, तो रो थ्री में घटाना है किसको, थ्री आर वन को, यानी आर वन के तिगुना। अब बताइए नू इसमें आर वन है क्या आपका, सॉरी इसमें आर वन क्या है आपका वो लिखिए, तो इसका आर वन पर ध्यान दीजिए, इसका आर वन है वन माइनस थ्री बाय टू, थ्री बाय टू, ध्यान दीजिए हम इसके आर वन को लिख लिए, तो वन माइनस थ्री बाय टू, थ्री बाय टू, लेकिन आर वन का क्या चाहिए हमको, तिगुना चाहिए, तो तीन से गुना कीजिए इसमें, तो ये हो जाएगा वन इंटू थ्री, ये माइनस थ्री बाय टू इंटू थ्री और ये थ्री बाय टू इंटू थ्री, तो जैसे तीन से गुना करेंगे तो पहला हो जाएगा तीन, इधर हो जाएगा माइनस नौ बटे दो और ये हो जाएगा नौ बटे दो। फिर से ध्यान से सुनिए, आर थ्री मेरा कितना है, तो आर थ्री था मेरा थ्री माइनस टू टू, थ्री माइनस टू टू, फिर यहाँ क्या करना है थ्री आर वन, यानी आर वन का तिगुना। आर वन क्या है, आर वन है वन माइनस थ्री बाय टू, थ्री बाय टू, इसमें कितना गुना किया तीन से, एक गुना तीन तीन माइनस थ्री बाय टू गुना तीन, तो यानी माइनस नौ बटे तीन और तीन बटे दो गुना तीन, यानी दो नौ बटे दो। अब हम क्या करेंगे इसको घटाएंगे किसमें, आर थ्री में, तो घटा दिए इसको, तो ये हो जाएगा थ्री माइनस नाइन बाय टू, नाइन बाय टू। जैसे ही हम घटाएंगे तो जो प्लस है वो क्या हो जाएगा माइनस, और जो माइनस है वो प्लस, तो यानी ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस। अब क्या कीजिए इसको बारी बारी से आप घटा दीजिए, अब देखिए क्या मिलेगा आपको घटाने से, तो घटाइए यहां से, तो तीन में तीन घटा तो जीरो हो गया। फिर ध्यान दीजिए यहाँ पे माइनस टू प्लस नाइन बाय टू, एक टर्म हुआ आपका, और यहां पर है टू माइनस नाइन बाय टू, इस दोनों को हमको क्या करना है सॉल्व करना है, आइए कीजिए इसको, तो पहला से हो जाएगा मेरा एलसीएम टू होगा, तो माइनस फोर प्लस नाइन, यानी यहां से हमको मिलेगा माइनस फाइव बाय टू, इसको सॉरी प्लस फाइव बाय टू, इसको हम लोग लिख देते हैं, तो ये हो गया मेरा जीरो फाइव बाय टू। अब हम इसका काम करते हैं, इसके काम में हमको क्या मिलता है वो देखते हैं हम लोग, तो इसको सॉल्व कीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा, फिर टू ही होगा, तो फोर माइनस नाइन यानी माइनस फाइव बाय टू, ये हो गया माइनस फाइव बाय टू।
अब हम लोग यहां से बढ़ते हैं आगे कि जो काम हम LHS में किए वही सेम काम हम किस में करेंगे, तो RHS में। तो आइए हम सारा काम बारी बारी से RHS में भी करते हैं। तो आइए हम लोग सारा का सारा काम किस में करते हैं, RHS में। तो RHS में आइए अप्लाई कीजिए R2। पहले क्या लिखा हुआ है R2, लिखिए R2 इसका। तो R2 इसका जो है वो हो गया कितना, इसका R2 हो गया आपका 010। ये हुआ R2। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग कि यहां पे R1 में दो से गुणा करना। बताइए इसका R1 है कितना, इसका R1 है 1/2 0 0। उसमें कितना गुणा करना है, दो से। तो कीजिए तो 1/2 × 2 0 × 2 0 × 2। ये हो गया 1 0 0। आइए फिर सबसे बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा R2 इस RHS का, RHS में भी है LHS में ना हो गया हमें, आप किस में RHS में। तो R2, R2 कितना है, तो 0 1 0 इसको लिख दिया हम। फिर 2R1, तो पहले हम R1 का दुगना निकालेंगे तब, तो पहले हम लोग R1 देखते हैं। R1 क्या है इसका, तो 1/2 0 0। फिर इसमें दो से गुणा करना, कीजिए 1/2 × 2 यानी 1। ये आ गया मिलकर इतना। अब आगे क्या करना आपको, तो आगे हमको इसमें इसको घटाना है, इसको लिखिए वो। तो क्या मिलेगा आपको, तो 1 0 0। अब जैसे ही घटाइएगा तो जो प्लस है वो हो जाएगा माइनस और जो माइनस है वो हो जाएगा प्लस। संयोग ऐसा है एक नंबर एक है जिसको हम, जिसका साइन हम लोग बदल सकते हैं। तो यहां से क्या मिला, -1 1 0। ये कौन सा हो गया मेरा, ये हो गया मेरा अब R2। लिख दीजिए इसको, तो -1 1 0 यानी हम R2 का ऑपरेशन कर चुके हैं। अब हम किसका देखेंगे, तो R3 का। अब ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है, R3। R3 क्या, देखिए लिखिए इसको 0 0 1। अब हम इसमें क्या करेंगे, R1 के त्रिगुना से गुणा करेंगे, R1 का त्रिगुना निकालेंगे हम लोग। पहले बताए R1 है क्या, R1 है मेरा 1/2 0 0। इसमें कितना गुणा करेंगे, तीन से। कीजिए तो जैसे हम इसमें तीन से गुणा करेंगे ये हो जाएगा 1/2 × 3 0 × 3 0 × 3। ये हो गया 3/2 0 0। तो जो मिला हमको ये मिला, फिर से ध्यान दीजिएगा R3, R3 कितना है 0 0 1। यहाँ R1 में तीन से गुणा करें, R1 कितना था 1/2, जैसे तीन से मल्टीप्लाई किया क्या हो गया 3/2, ये 0 0 0। अब इसको उसमें क्या करना है, तो घटाना है, तो घटाइए यानी 3/2 0 0। अब आप इसको क्या कीजिए, तो घटाइए। अब घटाना प्रारंभ कीजिए तो जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस, यानी -3/2 0 और 1। उसको हम लोग यहाँ क्या करते हैं, तो लिख देते हैं, ये हो गया -3/2 0 और 1। इस तरह से हम क्या देखते हैं कि इस परिस्थिति में हम पहला कॉलम जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं, यानी इस प्रोसेस के द्वारा यहां तक में भी हम ये पहला कॉलम, देखिए कॉलम यहाँ कंप्लीट कर दिए। अब हम किस में चलेंगे, तो दूसरे कॉलम में। दूसरा कॉलम जब चलेंगे हम, तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक लेंगे, यानी A22 के एलिमेंट को हम बनाएंगे 1। बताइए यहाँ A22 कितना है मेरा, 5। क्या है, 5। इस 5 को जब हम 1 बनाएंगे तो क्या करना होगा हमको, तो 5 का गुणात्मक प्रतिलोम होता है 1/5। तो हम इसको गुना कितना से करेंगे, 1/5 से। तो चलिए देखिए, तो ध्यान दीजिए अब हम क्या करेंगे, तो दूसरे कॉलम में आएंगे और हमको एक चाहिए, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे 5 के गुणात्मक प्रतिलोम से इसमें गुना कर देंगे। ये बोलिए 5 है किसमें, तो R2 में, किसमें R2 में, और R2 में हम लोग क्या करेंगे, तो 1/5 से गुना कर देंगे का प्रयोग करने पर, यानी हम R2 में क्या करेंगे, तो 1/5 से गुना कर देंगे। अब एक बार बताइए, क्या एरो के पहले दूसरा कुछ भी लिखा हुआ है, एरो के पहले केवल R2 लिखा हुआ है, यानी कौन बदलेगा, केवल R2 बदलेगा, तो कौन कौन नहीं बदलेगा, तो ना R1 बदलेगा ना R3 बदलेगा, तो जिसमें परिवर्तन ना हो उसको पहले लिख लीजिए। आइए लिखते हैं, और क्या हुआ 1 -3/2 3/2, R2 तो बदलेगा तो रहने दीजिए इसको, तो 0 5/2 -5/2। फिर यहां आइए, यहां क्या है, तो 1/2
जीरो जीरो माइनस थ्री बाय टू जीरो वन और इंटू ए। अब हम लोग ऑपरेशन का इस्तेमाल करते हैं, पर देख लीजिए हम लोग सही लिखे वन माइनस थ्री बाय टू थ्री बाय टू जीरो फाइव बाय टू माइनस फाइव बाय टू वन बाय टू जीरो जीरो माइनस थ्री बाय टू जीरो वन। अब हम लोग आर टू पे अप्लाई करते हैं, तो आर टू आपका है क्या भाई, पहला में देखिए तो आर टू आपका है जीरो फाइव जीरो, ये कौन सा हुआ आपका आर टू। इसमें क्या करिएगा तो पांच से गुना करिएगा, करिए एक बटे पांच सॉरी एक बटे पांच से क्या करें हम लोग गुना करेंगे, कीजिए तो जीरो इंटू वन बाय फाइव एकम दूसरा फाइव इंटू वन बाय फाइव और तीसरा जीरो इंटू वन बाय फाइव, यानी रो टू जो है मेरा वो है जीरो फाइव फाइव जीरो फाइव फाइव, उसमें एक बटे पांच से सब में गुना कर दिए तो जीरो में कुछ से भी गुना हुआ क्या होगा जीरो और यहाँ क्या होगा एक और यहाँ क्या होगा जीरो, यानी अब आपका रूट टू कैसा हो गया देख लीजिए यहाँ तो रूट टू आपका हो गया जीरो वन जीरो। जो काम हम लोग एलएचएस में किए वही काम हम कहाँ करेंगे आरएचएस में। अब हम जब आरएचएस में काम प्रारंभ करेंगे तो बताइए आरएचएस का आर टू है क्या, तो आरएचएस का आर टू है माइनस वन वन और जीरो। अब हम इसमें क्या करते हैं वन बाय फाइव से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कर देते हैं तो ये हो गया माइनस वन इंटू वन बाय फाइव वन इंटू वन बाय फाइव जीरो इंटू वन बाय फाइव। फिर देख लीजिए एक बार आर टू आपका है वन माइनस वन वन जीरो माइनस वन वन जीरो, इसमें क्या कर रहे हैं एक बटे पांच से गुना कर रहे हैं, तो कर दीजिए तो ये आपका हो जाएगा माइनस वन बाय फाइव वन बाय फाइव और जीरो, यानी आर टू मेरा क्या हो गया अब तो आर टू हो गया मेरा वन बाय फाइव वन बाय फाइव और ये हो गया जीरो। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा अगर आप कहीं मिस्टेक कीजिएगा तो वो कैलकुलेशन में, इसलिए कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान देख चलिएगा। अब आइए हम क्या देखते हैं कि मेरा दूसरे कॉलम में हमको वन यहाँ पे मिल चुका है, अब इस वन के मदद से बाकी दोनों क्या बोला ना हमको जीरो, यहाँ चाहिए जीरो इसका मतलब माइनस थ्री बाय टू क्या चाहिए जीरो। हम पहला काम पे ध्यान देते हैं हमको यहाँ पे कितना चाहिए जीरो, यहाँ मेरा है कितना माइनस थ्री बाय टू। अब माइनस थ्री बाय टू को जीरो बनाने का मतलब है कि हम उसमें क्या करेंगे तो थ्री बाय टू को जोड़ देंगे, यानी माइनस रहेगा तो प्लस कर देंगे प्लस रहेगा तो माइनस कर देंगे, तो जैसे हम उसमें जोड़ेंगे वो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। यानी फिर से ध्यान दीजिए अगर आपको कोई माइनस थ्री बाय टू बराबर जीरो लाने के लिए कहेगा तब आप क्या कीजिएगा तब आप इसमें थ्री बाय टू को जोड़ दीजिएगा, लेकिन हम क्या कहे थे कि घटाने में जो भी लाना है किसके मदद से एक के मदद से, तो बताइए एक है आपका कहाँ अब एक है आर टू में, तो अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो माइनस थ्री बाय टू को हमको क्या करना है बदलना है, तो बोलिए माइनस थ्री बाय टू किस में है माइनस थ्री बाय टू रो वन में है, माइनस थ्री बाय टू किस में है तो रो वन में है, फिर एरो माइनस थ्री बाय टू यानी रो वन यहाँ पे क्या है प्लस, तो क्या दिए प्लस और फिर क्या है थ्री बाय टू और एक बताइए किसमें है तो रो टू में है, यानी आर वन जो है मेरा वो इस कंडीशन को फॉलो करेगा, इसको लिखिए यानी ये हो गया आर वन प्लस थ्री बाय टू आर टू ये मेरा जीरो हो गया। अब हम क्या करते हैं ना कि हम फिर इस पे ध्यान देते हैं हमको इसको भी तो जीरो बनाना है, हम इस फाइव बाय टू को भी क्या बनाना चाहते हैं जीरो। अब जरा सोचिए आप भी कि फाइव बाय टू को अगर आपको जीरो लाना है, अगर आप फाइव बाय टू को जीरो बनाना चाहते हैं तो क्या कीजिएगा बताइए सोच के बताइए। हाँ पक्का इसमें क्या करेंगे हम लोग तो फाइव बाय टू को घटा देंगे, बिल्कुल सही, और फाइव बाय टू आएगा किससे एक से गुना करके, जो भी लाना किससे घटाने में खास करके एक से, तो यहां पे हम इसको ऐसे करेंगे तो मेरा काम हो जाएगा। अब आइए इसको संकेत में लिखते हैं, तो संकेत में कैसे लिखेंगे इसको देखिए तो ए वन ध्यान दीजिए ये फाइव बाय टू है कहां पे रो थ्री में यानी आर थ्री, अब फाइव बाय टू यानी आर थ्री यहां क्या है माइनस तो क्या देंगे माइनस, यहाँ क्या है फाइव बाय टू तो क्या लिखेंगे फाइव बाय टू,
और मेरा कौन है एलिमेंट, तो वन है। वन बताइए यहाँ कहाँ पर है, आर टू में, तो आप यहाँ पे लिखिए आर टू का प्रयोग करने पर, यानी हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अब सवाल है कि हमको बनाना है इस पर आप ध्यान से, तो आइए हम इसमें काम प्रारंभ करते हैं और थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये बताइए एरो से पहले क्या है आर वन, एरो से पहले क्या है आर थ्री, तो कौन नहीं बदलेगा आर टू, जो नहीं बदलेगा उसको सावधानी पूर्वक लिखिए। तो क्या होगा ध्यान दीजिए, ये हो गया आपका आर टू, इसका कितना है तो जीरो वन जीरो, ये हो गया आर टू। इधर का इधर वाला का आर टू क्या है वो देखिए, तो इसका आर टू हो गया आपका माइनस वन बाय फाइव, वन बाय फाइव और जीरो इंटू ए। अब हम लोग सबसे पहला काम आराम से कीजिए, वो है ये, यानी हम इसको यूज करते हैं आर वन, आर वन प्लस थ्री बाय टू आर टू। ये बताइए आपका आर वन है क्या, यहां देखिए आर वन क्या है आपका, तो आर वन हो गया वन माइनस थ्री बाय टू, थ्री बाय टू ये मेरा क्या हो गया आर वन। अब इसमें क्या करना है, प्लस करना है किसको, थ्री बाय टू आर टू को, तो हमको पहले थ्री बाय टू आर टू निकालना होगा। तो चलिए पहले आर टू देखते हैं क्या है, थ्री बाय टू बाद में, आर टू यानी इसका दूसरा रो, तो दूसरे रो पर अगर ध्यान दीजिए तो दूसरा रो इसका कितना है तो जीरो वन जीरो, इसमें क्या करना है हमको थ्री बाय टू से मल्टीप्लाई करना है, तो जीरो इंटू थ्री बाय टू, वन इंटू थ्री बाय टू, जीरो इंटू थ्री बाय टू। तो जैसे यहाँ की जीरो, ये थ्री बाय टू और ये जीरो, इसका मतलब हुआ कि हमको थ्री आर टू का जो मान मिला, थ्री बाय टू आर टू का मान मिला जीरो, थ्री बाय टू जीरो। फिर ध्यान दीजिए आर टू क्या आपका, देख लीजिए यहाँ आर टू है जीरो वन जीरो, लिखे जीरो वन जीरो, यहाँ क्या करना हमको थ्री बाय टू से मल्टीप्लाई करना है, तो हम थ्री बाय टू से मल्टीप्लाई किया, क्या मिला हमको जीरो थ्री बाय टू जीरो। अब यहाँ ध्यान दीजिए आर वन, आर वन क्या है इसका, तो वन माइनस थ्री बाय टू, थ्री बाय टू, वन माइनस थ्री बाय टू, थ्री बाय टू। अब इसमें हमको क्या करना है, प्लस करना है, तो आइए हम इसको जोड़ देते हैं, तो ये है कितना मिला कितना हमको, तो जीरो थ्री बाय टू जीरो। अब इसको क्या करना है आपको, तो प्लस करना है, आइए प्लस करते हैं। तो जैसे ही हम इसको जोड़ेंगे ये एक, ये हो जाएगा जीरो और ये मिलेगा हमको थ्री बाय टू, यानी अब जो मेरा आर वन है वो हो गया वन जीरो थ्री बाय टू, इसको लिख देते हैं, तो वन जीरो थ्री बाय टू, ये हो गया मेरा रो वन का काम। अब हम दूसरे ऑपरेशन पे ध्यान देते हैं, दूसरा ऑपरेशन क्या है मेरा आर थ्री। अब ध्यान दीजिए रो थ्री, रो थ्री में क्या करना है, तो रो थ्री माइनस फाइव बाय टू रो टू, तो हम पहले रो थ्री देखते हैं क्या है, तो देखिए तो इसमें रो थ्री क्या है, देखिए यहां रो थ्री आपका हो गया जीरो फाइव बाय टू माइनस फाइव बाय टू आर टू, ये रो टू बोल रहा है, रो टू कौन है यहाँ, तो रो टू है जीरो वन जीरो, इसमें कितना मल्टीप्लाई करना है फाइव बाय टू से, लिखीजिए जीरो इंटू फाइव बाय टू, वन इंटू फाइव बाय टू, जीरो इंटू फाइव बाय टू, यानी जीरो फाइव बाय टू और जीरो। फिर से ध्यान दीजिए आर थ्री कितना आर थ्री, तो जीरो फाइव बाय टू माइनस फाइव बाय टू, जीरो फाइव बाय टू माइनस फाइव बाय टू। फिर यहाँ पे हमको फाइव बाय टू आर टू ज्ञात करना है, फाइव बाय टू आर टू तो ना घटाएंगे हम, पहले इसको निकालते हैं, तो फाइव बाय टू आर टू, पहले ये देखते आर टू है क्या, तो आर टू है मेरा यहाँ पे जीरो वन जीरो, तो लिखिए जीरो वन जीरो, मल्टीप्लाई किससे करना है फाइव बाय टू से, तो सब में हम बारे बारे से कितना गुणा कर दिए, तो फाइव बाय टू से, जैसे हम फाइव बाय टू से गुणा किए ये हो गया जीरो, ये हो गया फाइव बाय टू और ये हो गया जीरो। तो जो मिला हमको उसको हमको इसके साथ क्या करना है, तो घटाना है इस बार, तो आइए इसको लिखते हैं हम, ये हो गया जीरो फाइव बाय टू और जीरो। अब घटाइए तो साइन टेबल इसी का बदलेगा, तो यहां से हो गया जीरो जीरो माइनस फाइव बाय टू, तो जो मिला हमको उसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं, तो ये मेरा हो गया अब जीरो ये हो गया मेरा जीरो जीरो माइनस फाइव बाय टू। तो ये काम जो भी हम किए वो किए किसमें, एलएचएस में। अब हमको यही सारा काम कहाँ करना है,
तो RHS में भी करना है। तो आइए हम लोग अब RHS के तरफ चलते हैं। देखिए क्या होता है, यहाँ पे भी क्या है R1, बताइए इसका R1 क्या है, इसका R1 है 1/2 0 0, ध्यान दीजिए इसका R1 कितना हुआ, तो 1/2 0 0 लिख दिया। अब 3/2 R2, ये पहला हम काम कर रहे हैं इस पे 3/2 R2, बोले इसका R2 क्या है, इसका R2 है 1/5 1/5 0, और करना क्या आपको, तो 3/2 करना है, इसका कीजिए 3/2, तो यानी -1/5 × 3/2, फिर यहाँ पे 1/5 × 3/2, और यहाँ 0 × 3/2। अब इसको बारी बारी से क्या करते हैं, हम लोग गुना करते हैं। देखिए यहाँ से ये हो गया -3/10, ये हो गया 3/10, और ये हो गया 0। चलिए फिर से हम आपको सारा चीज बताते हैं, ध्यान देखिएगा, ये आपका R1, R1 कितना है देखिए 1/2 0 0, 1/2 0 0। अब हमको निकालना है 3/2 R2, R2 क्या पर उसपे ध्यान देते हैं, R2 है मेरा 1/-1/5 1/5 और 0, फिर इसमें क्या किया हम 3/2 से मल्टीप्लाई किया, 3/2 3/2 3/2, यहाँ से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस माइनस माइनस 3 और 5 × 10, यहाँ 3 10 और यहाँ इतना। अब इसी को हमको इसमें क्या करना है, जोड़ना है, जोड़िए आइए जोड़ देते हैं इसको, तो -3/10 3/10 और 0। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, जोड़ते हैं, तो चलिए जोड़ प्रारंभ कीजिए इसका, तो बताइए इसमें क्या होगा, तो इसका पहला का होगा 1/2 -3/10, ये हुआ पहला, दूसरा यहाँ तो 3/10 ही रहेगा, ये 0 होगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं केवल, तो यहाँ क्या होगा 10, अब 2 से कीजिएगा तो 5 और यहाँ तो 3, तो यानी यहाँ हो जाएगा आपका 2/10 यानी 1/5। अब हमको यहाँ मिला 2/10, यहाँ 3/10 और यहाँ 0, इसको हम लोग लिख देते हैं, तो ये हो गया 2/10 3/10 और ये 0। तो इस तरह से हम क्या किए, पहला ऑपरेशन को हम लोग अपना कर दिए। अब आइए हम लोग दूसरे ऑपरेशन के बारे में विचार करते हैं, दूसरा क्या है, तो दूसरा R3 R3 -5/2 R2, तो पहले आप क्या कीजिएगा, तो पहले R3 लिखिए, देखिए R3 क्या है इसका, R3 इसका है -3/2 0 1, ये क्या हुआ इसका R3 हुआ। अब हम इसमें क्या करेंगे, तो इसमें हम लोग जो है वो 5/2 R2 घटाएंगे, तो बताइए R2 क्या है इसका, फिर देखिए R2 क्या है, R2 इसका है -1/5 1/5 और 0, इसमें कितना गुना करेंगे, तो 5/2 से, तो कीजिए तो -1/5 × 5/2 1/5 × 5/2 0 × 5/2, फिर से ध्यान से देखिए लिखा हुआ R3 हम लिख दिए, R3 कितना हुआ -3/2 0 1 लिख दिए यहाँ पे, फिर क्या करना हमको R2 में 5/2 से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले हम R2 देखते हैं -1/5 1/5 0, कितना गुना करना है 5/2 से, तो यहाँ क्या होगा आपका -1/2, क्योंकि 5 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी क्या होगा तो 1/2 और क्या होगा 0। इसको क्या करना है हमको, इसको घटाना है हमको अभी किसमें, R3 में, ये घटाते हैं इसको, तो ये हो गया -1/2 1/2 और ये हो गया 0। अब हम लोग चलते हैं यहां से आगे, अब इसको क्या करते हैं घटाइए, तो चलिए घटाते हैं इसको, तो ये हो जाएगा प्लस, ये होगा माइनस, बाकी सब तो वही रहेगा, तो यहाँ कीजिए -3/2 प्लस 1/2, ये तो -1/2 और ये 1 होगा, इसको सॉल्व कीजिए तो यहाँ 2 होगा। अब ये हो गया आपका -3 प्लस 1 यानी -2/2 और यहाँ -1/2 और ये 1, इसको हम लोग लिख देते हैं, तो ये हो गया -2/2, ये हो गया -1/2 और ये 1। इस तरह से हम क्या देखते हैं कि मेरे इस प्रॉब्लम में दूसरा कॉलम भी पूरा हो गया। अब हम कहाँ चलेंगे, हम लोग तीसरे कॉलम को पूरा करेंगे, तीसरे कॉलम में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, तो 1 लाते हैं। अब आप बताइए कि अगर आपको यहाँ 1 लाना है, यहाँ पर अगर आप 1 लाना चाहते हैं तो क्या कीजिएगा, तो इसके लिए हम लोग इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो -2/5,
बहुत सुंदर, यानी हम लोग आर थ्री में गुना करेंगे किससे, तो माइनस टू बाय फाइव से, क्योंकि ए तब और यहाँ पे आएगा जब हम इसके गुणात्मक प्रतिलोम से इसको गुना करेंगे, तो इसका उल्टा हो गया टू बाय फाइव। अब आइए एरो से पहले क्या लिखा होगा, आर थ्री, यानी इसमें केवल आर थ्री बदलेगा और किसी में किसी भी प्रकार से परिवर्तन नहीं होगा। तो चलिए हम लोग बाकी को वैसे लिख देते हैं, तो हो गया यहाँ पर वन जीरो थ्री बाय टू, फिर जीरो वन जीरो। अब इधर आते हैं हम लोग, तो यहाँ हो गया मेरा टू बाय टेन थ्री बाय टेन जीरो माइनस वन बाय फाइव वन बाय फाइव जीरो, यहाँ माइनस टू बाय टू माइनस वन बाय टू वन इंटू ए, सॉरी आर थ्री लिखना हमको नहीं है, हमको ये आर टू तक ही लिखना, आर थ्री हम नहीं लिखेंगे। देखिए ये वाला ये हुआ, ये आपका ये हो गया, यहाँ से ये है, यहाँ ये, हम तीसरा को दोनों में छोड़ दिए। तो चलिए अब क्या करते हैं, हम ऑपरेशन करते हैं। अब ऑपरेशन करने का मतलब क्या हुआ कि हमको ये देखना है कि हमें अब आगे क्या मिलने वाला है। तो पहले आर थ्री, तो चलिए इसका आर थ्री लिखिए, तो जीरो जीरो माइनस फाइव बाय टू, क्या करना है इसमें, तो माइनस टू बाय फाइव से मल्टीप्लाई करना है, कीजिए टू बाय फाइव जीरो इंटू माइनस टू बाय फाइव माइनस फाइव बाय टू इंटू माइनस टू बाय फाइव, तो ये जीरो ये सब कैंसिल हो गया वन, यानी हमको क्या मिलेगा, हमें मिलेगा जीरो जीरो वन। ये हो गया मेरा पहला। अब हमको यही काम किसमें करना है, तो यही काम हमको करना है आर एच एस के भी आर थ्री में। आर एच एस का आर थ्री क्या, ध्यान दीजिए, तो आर एच एस का आर थ्री है माइनस टू बाय टू माइनस वन बाय टू और वन, इसमें कितना से मल्टीप्लाई करना है हमको, इसमें मल्टीप्लाई करना है माइनस टू बाय फाइव से, तो कीजिए तो माइनस टू बाय टू इंटू माइनस टू बाय फाइव माइनस वन बाय टू इंटू माइनस टू बाय फाइव वन इंटू माइनस टू बाय फाइव। देखिए फिर देखिए आर थ्री क्या था, माइनस टू बाय टू माइनस वन बाय टू वन, कितना से मल्टीप्लाई कर रहे, तो माइनस टू बाय फाइव, देखिए माइनस टू बाय फाइव इसमें भी माइनस टू बाय फाइव इसमें भी माइनस टू बाय फाइव इसमें भी। अब रिजल्ट देखते हैं क्या मिलता है हमको, तो यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस ए टू काट दीजिए आप, तो आपका होगा टू बाय फाइव, फिर यहाँ पे भी काट दीजिए यहाँ होगा वन बाय फाइव और यहाँ माइनस टू बाय फाइव, तो जो मिला उसको हम लोग इसमें लिख देते हैं, तो ये हो गया टू बाय फाइव, ये हो गया वन बाय फाइव, ये हो गया माइनस टू बाय फाइव। तो इस तरह से क्या हुआ कि तीसरे कॉलम में हम वन ले आए जहां वन लाना था, अब इसके मदद से इन बाकी दोनों को जीरो बनाना है, तो संयोग ऐसा कि इसको जीरो बनाना है, ये तो जीरो है मेरा, हमको इसको जीरो बनाना है। अब बताइए ये जीरो कब होगा, ये जीरो होगा तब जब हम इसमें थ्री बाय टू को घटाएंगे, जैसे ही हम इसमें थ्री बाय टू को घटाएंगे वो मेरा जो टर्म है वो क्या बन जाएगा, जीरो। आइए हम उसमें क्या क्या करेंगे ये हम आपको थोड़ा दिखाते हैं, तो चलिए इस पर विचार करते हैं हम लोग। तो ये क्या है थ्री बाय टू, जीरो कब होगा जब थ्री बाय टू घटेगा, लेकिन हम जब भी घटाते हैं तो क्या लाके वन कैसे लाते हैं, तो वन से मल्टीप्लाई करके उसको लाते हैं। अब बताइए थ्री बाय टू जो है आपका वो है किसमें, रो वन में ना, तो लिखेंगे हम तो रो वन, यानी रो वन इसमें घटा रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे माइनस थ्री बाय टू, ये आर वन यानी ये वन, वन किसमें है आर थ्री में, तो आप आर थ्री लिखिए, यहाँ लिखिए आर थ्री। अब एक बार बताइए एरो से पहले क्या है, केवल आर वन, यानी कौन बदलेगा, केवल आर वन बदलेगा, ना तो आर टू बदलेगा ना ही आर थ्री बदलेगा, तो आप उसको लिखिए। तो देखिए क्या होगा, तो ये हो गया आपका आर टू, कितना है तो जीरो वन जीरो 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 वन, और इधर ध्यान दीजिए अगर आप, तो यहां आपके पास है माइनस वन बाय फाइव वन बाय फाइव जीरो, यहां टू बाय फाइव वन बाय फाइव माइनस टू बाय फाइव था यहाँ पे, सॉरी यहाँ फाइव मिला था हमको, तो ये हो गया माइनस टू बाय फाइव इंटू कितना ए। अब आइए हम अपना सारा का सारा फोकस किस पे करते हैं, तो आर वन पे, अब हमको अपना सारा फोकस कहाँ करना है, आर वन पे। तो चलिए बंधु आर वन क्या है आपका, आर वन है वन
जीरो थ्री बाय टू। ये क्या हुआ मेरा, ये हुआ आर वन। अब हम थ्री बाय टू से मल्टीप्लाई करें किसमें, आर थ्री में, आर थ्री लिखिए तो जीरो जीरो वन। इसमें क्या करना आपको, तो थ्री बाय टू से गुना करना है, कीजिए जीरो इंटू थ्री बाय टू, जीरो इंटू थ्री बाय टू, वन इंटू थ्री बाय टू। रिजल्ट क्या होगा आपका, जीरो जीरो थ्री बाय टू। अब हमको क्या करना है, ये जो मिला हमको उसको घटाना है इसमें, तो घटा दीजिए तो क्या होगा, जीरो जीरो थ्री बाय टू। अब जैसे ही हम इसको घटाएंगे तो जो प्लस है वो क्या हो जाएगा, माइनस, और जो माइनस वो क्या हो जाएगा, प्लस। ये क्या बदल देगा, तो वन जीरो जीरो, यानी हमको क्या मिला, वन जीरो जीरो। ये तो मेरा अभी वो आर एल एच एस, अभी हमको कहाँ चलना है, आर एच एस में। तो आइए अब हमको ध्यान से और सावधानी पूर्वक करना है किसको, तो करके दिखाना है हमको आर एच एस के रो वन को बदलना है। तो चलिए आर एच एस का रो वन लिखते हैं। अब ये बताइए कि आर एच एस का रो वन है क्या, तो आर एच एस का रो वन है टू बाय टेन थ्री बाय टेन जीरो, ये हो गया आर वन, लिख दिए। अब हमको आर थ्री पे ध्यान देना है, यहां देखिए आर थ्री, तो लिखिए टू बाय फाइव वन बाय फाइव माइनस टू बाय फाइव। अब इसमें हमको करना क्या है, तो इसमें हमको हर एक में मल्टीप्लाई करना है कितना से, थ्री बाय टू से, तो कीजिए तो ये होगा टू बाय फाइव गुना थ्री बाय टू, फिर इसी ढंग से वन बाय फाइव गुना थ्री बाय टू, इसी ढंग से माइनस टू बाय फाइव गुना थ्री बाय टू। रिजल्ट क्या मिलेगा वो देखिए, रिजल्ट मिलेगा टू टू कैंसिल यानी थ्री बाय फाइव। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ आपका हो जाएगा थ्री बाय टेन। इसमें अगर ध्यान दें हम तो इसमें क्या होगा मेरा, तो इसमें मेरा क्या होगा, अगर हम यहाँ ध्यान दें तो यहाँ भी टू टू कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा माइनस थ्री बाय फाइव। तो जो मिला हमको इसको हम इसमें लिखते हैं, तो आइए लिख देते हैं इसमें क्या होता है देखते हैं। तो यहाँ हो गया मेरा वो हुआ थ्री बाय फाइव, यहाँ थ्री बाय टेन माइनस थ्री बाय फाइव। अब क्या करना है हमको, तो अब हमें इसे बारी बारी से घटा के देखना है कि हमको क्या मिलता है। अब आइए घटाते हैं इसको, तो ये माइनस, ये भी माइनस और ये प्लस। अब पहला घटाते हैं, टू बाय टेन माइनस थ्री बाय फाइव, एलसीएम लीजिए टेन, तो यहाँ क्या होगा टू, और यहाँ क्या होगा आपका तो माइनस सिक्स, यानी क्या मिलेगा आपको माइनस फोर बाय टेन यानी माइनस टू बाय फाइव, उसको लिख दीजिए यहाँ, तो ये हो गया माइनस टू बाय फाइव। ये पहला काम मेरा हो गया। अब आइए हम दूसरे को देखते हैं, दूसरा क्या है वो ध्यान देते हैं। तो दूसरा है थ्री बाय टेन माइनस थ्री बाय टेन, संयोग ऐसा क्या हो गया जीरो, तो यहाँ पे मिला हमको जीरो। अब हम इसमें क्या करें, तो कैसे लिखना है, तो थ्री बाय फाइव। और जैसे ही आपको, जैसे ही ए आपका जो है वो फुल्ली अगर आई में कन्वर्ट हो जाए तब हम इसको क्या कहते हैं, ए का इनवर्स। और इस तरह से हम देखते हैं कि ए इनवर्स बराबर होता है माइनस टू बाय फाइव जीरो, थ्री बाय फाइव माइनस वन बाय फाइव, वन बाय फाइव जीरो, और यहाँ होगा टू बाय फाइव वन बाय फाइव माइनस टू बाय फाइव। यही हो गया आपका उत्तर, कि आप जो इनवर्स निकाले, ही आप जो इनवर्स निकाले हैं वो आपका सही है या गलत, ये कैसे जानिएगा, हम तो बना दिए इतना बड़ा। अब हमको कैसे पता चलेगा कि हम जो सॉल्व किए हैं वो मेरा सही है या गलत है, इसके लिए क्या करेंगे हम, तो हम लोग पढ़े थे a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, यानी किसी भी आव्यूह को अगर उसके प्रतिलोम के साथ गुणा किया जाए तब हमको आइडेंटिटी मिलेगा। यानी अगर हम a और a इनवर्स दोनों को गुणा करें और हमें तत्समक आव्यूह मिल जाएगा, इसका मतलब मेरा a इनवर्स सही है। तो आइए हम इसको पहले चेक करते हैं, a इंटू ए इनवर्स अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करें और आइडेंटिटी मिल जाए तो हो जाएगा, तो आइए करते हैं। तो आप सभी को याद होगा कि हमेशा रो जो है वह गुना होता है किसके साथ, कॉलम के साथ। इसके हिसाब से 2 इंटू माइनस टू बाय फाइव कितना होगा, तो 2 इंटू माइनस टू बाय फाइव को जब गुना कीजिएगा तो होगा माइनस फोर बाय फाइव, एक पार्ट। फिर दूसरा माइनस माइनस प्लस, थ्री इंटू वन बाय फाइव
यानी 3/5। फिर आइए प्लस 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 6/5। ये पहला रो का पहले कॉलम के साथ हो गया। अब पहला का दूसरे का 0 2 गुना 0 0, फिर माइनस प्लस माइनस 3/5, फिर प्लस प्लस दूसरा रो के साथ कर रहे हैं प्लस 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 3/5। फिर आइए बताते हैं पहला रो का तीसरे के साथ 2 गुना 3/5 क्या होगा, तो 6/5। 2 गुना 3/5 क्या होगा, 6/5, फिर माइनस और यहाँ पे 0, तो यहाँ रिजल्ट क्या होगा 0। फिर 3 गुना इतना यानी -6/5। ये पहला रो का हम क्या किए, तो पहले रो को हम तीनों कॉलम से बारी बारी से गुना कर दिए। अब हम क्या करेंगे, तो दूसरे कॉलम को दूसरे रो को भी सबके साथ करेंगे। तो ये करते हैं, तो 2 × -2/5 यानी -4/5। फिर 2 × यहाँ पे क्या होगा, तो ये हो जाएगा -2/5। फिर यहां से माइनस बल्कि प्लस 6/5, ये दूसरा रो का कहानी है। फिर 2 × 0 0, फिर 2 × 1/2 1/5, तो होगा +2/5, और फिर यहां से +3/5। फिर दूसरा हम कीजिए 2 × 3/5 यानी 6/5, 2 × 0 यानी 0, फिर 3 × -2/5 यानी -6/5। अब यहाँ 3 × -2/5 यानी -6/5, माइनस माइनस प्लस 2/5, माइनस माइनस प्लस 2/5, और फिर यहां जाइए तो प्लस 4/5। फिर आगे बढ़िए 3 × 0 0, -2 × 1/5 यानी -2/5, यहाँ प्लस यानी प्लस 2/5, फिर यहां से 3 × 3 = 9/5, फिर यहां से 0 आपका हो गया, फिर यहां से तो -4/5। आप इसको सॉल्व कर लीजिए क्या होता है देखते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा क्या मिलता है हमको देख लेते हैं, एलसीएम हो गया 5 5, तो -4 + 3 + 6। फिर यहां दूसरे का एलसीएम क्या हुआ 5 यानी -3 + 3, यानी अगर हम सिंपली देखें तो ध्यान दीजिएगा 6 × 3 = 9, 9 में से 4 गया तो कितना बचा 5 5/5 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी हमको क्या मिला i3 मिला। इसका मतलब हुआ कि मेरा जो इनवर्स निकाले हम वो बिल्कुल सही है। तो फिर आज इतना ही, अगले वीडियो में हम आपको कॉलम विधि से यानी स्तंभ के माध्यम से आपको ये क्या बोलते हैं इनवर्स निकालना सीखेंगे।